हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं फिर से लिबर्टी मार्केट में, क्योंकि लाहौर की बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारी और बड़ी स्पेशल किस्म की मार्केट है। पैब्लो पिकासो ने एक बार ये कहा था, द वर्ल्ड डजंट मेक सेंस देन व्हाई शुड आई पेंट पिक्चर्स दैट डू। बात तो बहुत पते की है कि ये पूरी दुनिया के लोग ये मामला जब ये हमारी समझ में नहीं आते तो मैं ऐसी पिक्चर क्यों बनाऊँ जो किसी की समझ में आ जाए, सोचना है। और बहुत गहरी बात है, इसी तरह से आप वही करते जाइए जो आपको समझ में आता है। अगर आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और ये समझेंगे कि हमें वही करना है जो लोगों को समझ में आ जाए और वो नहीं करना है जो लोगों को समझ में ना आए, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। हो सकता है कि इस दौड़ में आप बहुत पीछे रह जाए। और अगर आप ये सोच लें कि आपको वही करना है जो आपको समझ में आ रहा है और जो आपको बेहतर लग रहा है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे निकल जाएं। खैर, प्यारी सी पते की बात जो आपने दोस्तों के साथ हमने अभी शेयर की, आज ठंड भी है, जैसे कि आजकल तो ठंड है ही, दिसंबर का महीना है, बहुत ही खूबसूरत साल का आखिर है और आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल खत्म तक पहुंचते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला आने वाला जो साल है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। इस साल में हमेशा हमें याद रखना है कि हमने कौन सी चीज़ों को लूज़ किया, कौन से रिग्रेट्स थे, लेकिन वो रिग्रेट्स हमने इसी साल में छोड़कर आगे बढ़ने हैं और अपने इस साल की अचीवमेंट्स को अपने नए साल में लेकर आगे बढ़ना है, लेकर चलना है। जो कुछ हमने सीखा उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है ताकि हम अपनी उन गलतियों से कोई ना कोई सबक हासिल कर सकें और उनसे कोई फ़ायदा ही उठा सकें। आज भी बहुत सारे दोस्त होंगे हमारे से जिनसे हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, आज के दिन के बारे में, बहुत सी और भी बातें जो वो हमसे करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम पूछें आपके बताए हुए सवाल, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें कि हम कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके दोस्तों से किया करें, फन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त कितनी स्ट्रगल करते हैं आखिर सही जवाब देने में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम को देखिएगा आखिर तक, जहाँ हम आपको बताएँगे कि उन सारे के सारे सवालों का सही जवाब क्या है। तो जनाब, बढ़ते हैं आपके दोस्तों के जाने और करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। पूरा नाम? ज़ैनब नईम खान। ज़ैनब नईम खान, ये बात, क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैं स्टार्स प्ले में सबटाइटल्स एडिटर हूं। स्टार्स प्ले में टाइटल एडिटर, वो क्या होता है? बेसिकली जो मूवीज़ होती हैं या सीरीज़ होती हैं, ड्रामास जो होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, उसी तरह सेम हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्स प्ले है। तो ये मीना रीजन में जितना भी चलता है, दुबई, सऊदीया और भी बहुत सी है कंट्रीज अवेलेबल उसमें है, जहाँ पे आता है कि चलता वो ना, तो मैं उसके सब टाइटल्स जो होते हैं उसको एडिट करती हूँ। सब टाइटल्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं आप, क्या क्या काम कर रही होती हैं, ज़रा बताएँ, ज़रा खुल के बताएँ। बेसिकली मैं इंग्लिश और अरबिक करती हूँ सब टाइटल्स को। तो ये दोनों ज़बानें आपको आती हैं? नहीं, इतना नहीं, अरबिक का जो है वो ज़ाहिर बात है मुझे नहीं आती, इंग्लिश लेटर्स लगाए होते हैं। नहीं, वो हम लोगों ने ना एजेंसीज हैं हमारी, उनके साथ हमने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं उनको अरबिक में ट्रांसलेट करना है तो उनके सब टाइटल्स हम उस पर कहते हैं कि हमें ट्रांसलेट करके दें, और फिर ड्यूरेशन के साथ कि इतने ड्यूरेशन से लेके इतने ड्यूरेशन तक इतनी अरबिक आनी है, क्या आना है, वो सारा बताते हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम नहीं होता है? कहने को तो मुश्किल है, लेकिन ज़ैनब हम देख रहे हैं, चलो एक मिनट की स्लॉट की बात कर लेते हैं, हम ज़्यादा लंबी तो बात ही नहीं करते हैं, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे, ये चलो एक घंटे का 40 मिनट्स 60 मिनट्स की बात हो रही है, वो तो बहुत ही बड़ी कहानी हो जाती है। सिर्फ एक मिनट के सब टाइटल्स पे एक एडिटर की या सब एडिटर की कितनी एफर्ट, कितनी इनपुट होती है और उसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट होती है ऑडियंस तक पहुँचाने में? क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ वो एक रिमोट कंट्रोल का एक क्लिक है, बटन है जिसपे हमने जाके सब टाइटल्स में से जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो हम मूवीज़ जो होते हैं उनको कहते हैं कि पहले देखो उनको, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते हैं, कुछ होती है इंग्लिश मूवीज़ होती हैं उनको इंग्लिश में सेम ट्रांसलेट करना होता है, इतना मुश्किल होता है उसी के। फिर हम एजेंसीज को कहते हैं कि अरेबिक ट्रांसलेट करके दें, इसके वो करके देते हैं, फिर उसको से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज है जो आप लोग प्रेफर करते हैं कि सब टाइटल्स में इस्तेमाल हो? ऑब्वियसली इंग्लिश, इंग्लिश और अरेबिक, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस ना जिस जहाँ पर चलता है स्टार्स प्ले वहाँ पर दोनों लैंग्वेज बहुत इन है, दोनों लैंग्वेजेस बहुत ही अच्छा। इस फील्ड में क्या स्कोप है बताएं ज़रा यंग जनरेशन को? इस फील्ड में यह है कि आपको ना बगैर किसी वो मतलब कि सब्सक्रिप्शन के आपको फ्री में मूवीज़ देखने को मिल रही है, आपको फ्री में सीरीज़ देखने को मिल जाती है बस, और मतलब इंजॉय करते हैं, मतलब जॉब के साथ आपकी इंजॉयमेंट भी उसमें होती है। वेरी नाइस। कितने घंटे का काम है और हफ्ते में कितने दिन काम करना है?
जो शिफ्ट है वो मतलब के 10 to 7 शिफ्ट है और हफ्ते में आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से शिफ्ट ले रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। पूछ लेते हैं पहले कि आप किस में कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग में कि इवनिंग में, वो आपके ऊपर होता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो हाउ इज इट गोइंग अपनी पहले की काम से पहले, हम वो तो नहीं पूछेंगे वो कहाँ किया था, तो वो बड़ी बात, तो कहते ना कि बात चल निकली है तो फिर बड़ी दूर तलक जाएगी, तो हम दूर तलक नहीं जाएंगे। ये काम और इससे पहले किया हुआ काम क्या डिफरेंस है और किसको सबसे ज़्यादा आप इंजॉय कर रही हैं? मैंने तो अपने दोनों कामों को बहुत इंजॉय किया। वेरी नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। भाई मुझे लगा था किसी एक की बुराई होने वाली है। नहीं नहीं, मेरी जो मेरे साथ जिसके साथ जिस टीम के साथ मैंने काम किया था वो बहुत अच्छी। मैंने लर्निंग क्या है अभी तक अपने काम से और इस तरह के सोशल इंटरेक्शन से, क्योंकि आप बाहर भी निकल रहे हैं, आप लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं और आप एक काम करके कुछ सीख भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लर्निंग को मुझे मिला है, मतलब कि इससे पहले मैंने एक चैनल को ज्वाइन किया था, ठीक है, उधर भी काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरह प्रोग्राम्स को, मैं प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में थी कि किस तरह प्रोग्राम्स बनते हैं, डाटा कैसे लेते हैं, रिसर्च वर्क कैसा होता है, फील्ड पर कैसे काम होता है, वो सीखने को मुझे मिला। और स्टार्स प्ले में यही है कि सीरीज़ के बस टाइटल्स किस तरह सिंक होते हैं, क्या होता है, सारा कुछ देखना होता है। वेरी नाइस, मुझे लग रहा है ये अपनी नौकरी से बहुत खुश है और ये अपनी नौकरी से ही खुश है। ऐसा ही है। वेरी नाइस, खुश होगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो ज़ैनब क्या सुनाना है, शेर सुनाना है, कोई गाना सुनाना है? ये वाले काम नहीं होते मुझसे। ये वाला काम आज कर दो ज़ैनब, आज ये काम भी कर दो। अब मुझे कोई आता ही नहीं है। इतनी तुमने मूवीज देखी हैं, इतने तुमने मूवीज के सब टाइटल्स तुमने लगे हैं, लगवाए हैं, अब किसी का तो तुम कुछ तो शेयर कर दो। मूवीज जो मैंने अब तक ये बता दो अच्छे अच्छे से सीजंस कौन से आने वाले हैं, ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो ऑडियंस हैं, वो भी वेट करें उनका एंक्शियस होके। सीजंस तो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो उनके नाम भी नहीं याद, मतलब मेरे अच्छे अच्छे से टॉप 3 बता दो। टॉप 3 तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं एक दिन में कुछ 100 या 200 निकाल, 100-200 तो याद कैसे रहता होगा भाई इतना कुछ इतना बल्क में। चलें कोई शेर सुना दे। शेर याद तो करने दे, याद करने दे, याद कर ले यार। नहीं आ रहा तो कौमी तराना सुना दे। कौमी तराना अभी आप पर थोड़ा सा स्ट्रेक के ऊपर सुना सकता है, लेकिन आप मुझसे कोई पहेली पूछ लिया कुछ। पहेली मैं वो बाद में पूछूंगी। चलिए ठीक है, सुना दे। चाइना का कौमी तराना सुना दे। चूचा चूही होना वो कोई चूचा चूही होना है। खैर अच्छा चले, अब बात करते हैं आपसे, चले सवाल करते हैं। अभी चाइना का इन्होंने कौमी तराना चीन चांग चू सुनाया हमें। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। माय क्वेश्चन इज, वो क्या है जो सदियों से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र एक महीने से ज्यादा नहीं होती है? बहुत गाने बन चुके हैं उस पर, ज़ैनब को तो गाना आता नहीं है। गाने बन चुके हैं ज़ैनब, तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मतलब क्या चीज़ है जो हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी, सदियों से है और लेकिन उसकी उम्र एक महीने से ज्यादा नहीं होती है? गाने ही होंगे फिर। नहीं, क्या है? सदियों से एक महीने बहुत गाने बन चुके हैं उस पर। से आपकी मामा आपको क्या बुलाती हैं? मुझे तो बहुत कुछ बुलाती हैं। ओ नो नो, मुझे बताओ। चलो कोई कोशिश करो प्लीज। प्यार एक महीने से ज्यादा नहीं होती। प्यार क्या हो सकता है? आज तो आसमान पे भी नजर नहीं आ रहा। एक महीने से ज्यादा नहीं होती। चांद चांद नहीं है, चांद है। हमारे आपकी जानने से छोटे से गिफ्ट एम्बर दे रहे हैं। ज़ैनब याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। इसी के सिद्धांत आपको मिले जिंदगी में। ऐसे ऐसे जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी ना थे। कहते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। दोस्तों को हम बताते चलें जिन्होंने हमें अभी ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, ताकि वो ये सोचते ना रह जाएं कि हम आके घूम फिर कहाँ रहे हैं और हमने आपको नहीं बुलाया। अरे बुला भी लिया, बता भी दिया। चलें अब आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम मलिक। इब्राहिम मलिक जी। क्या मलिक इब्राहिम जी? ओके, व्हाट इज योर राइट नेम? ना करेक्ट नेम बताइए। मलिक पहले है, इब्राहिम पहले है? इब्राहिम पहले है। इब्राहिम पहले है। क्या करते हैं इब्राहिम आप जिंदगी में? मैं बस स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाके फिर क्या करता हूँ? बस काम। जो काम 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 बस काम। स्कूल से फिर आकर क्या खाता हूँ? खाता हूँ। क्या स्पोर्ट्स करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है अदर देन योर स्टडीज? तो सा स्क्वैश खेलता हूँ। स्पोर्ट्स करते हैं? स्क्वैश थोड़ा सा, क्रिकेट भी थोड़ा सा। क्रिकेट भी थोड़ा सा और स्क्वैश भी थोड़ा सा जी। इज योर ट्रेनर? बस मेरे पाप। वाओ, योर फादर इज योर ट्रेनर जी। अमेजिंग। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? तीन बहनें हैं। बड़ी हैं या छोटी हैं? बड़ी हैं। किसके साथ सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप है? माय ओल्डर सिस्टर। ओल्डर सिस्टर। और बाकियों से क्यों नहीं है? दैट इज अ बिट रूड। फाइन, चलता है भाई, सबके साथ नहीं बनती है। पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से, किसी और सिटी से? लाहौर से। हमेशा से? जी हमेशा। पाकिस्तान में बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी कभी गए हैं आप? जी नवान का गांव। हाँ। नहीं नहीं, तो पाकिस्तान में आप गए हैं ना? पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान में आप बताएंगे कहाँ कहाँ? अच्छा चलो, पाकिस्तान में बताएं कि पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ गए हैं। नवान का गांव, आरान और कागान। जी कागान जी। अच्छा, क्या आपको अच्छा लगा नॉर्दर्न एरिया में? माउंटेन्स अच्छा था। माउंटेन्स ज़्यादा सीनरी था। एंड बस ये था। स्नोफॉल अच्छा लगता है? नहीं, ज़्यादा ठंडा था। ज़्यादा ठंडा था जी। स्नोफॉल इतना अच्छा नहीं लगता, ठंड लगने लगता। ओके इब्राहिम, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? आई एवरीथिंग। Everything? Anything and everything. Anything and everything? जी। अच्छा, फ्राइड ज़्यादा फिर भी पसंद होगे ना? बर्गर, स्नैक्स, फास्ट फूड? इंग्लिश फूड, फास्ट फूड या बर्गर्स आई गेस। बर्गर्स, ओके। कौन सा बर्गर सबसे फेवरेट है? चिकन बर्गर्स। चिकन बर्गर्स। चिकन में चाहे पैरीज हो, चाहे वो जिंगर हो, चाहे फ्राइड हो, कुछ भी हो जी, जैसे बस चिकन। चिकन होना चाहिए बस वो, दैट इज अमेजिंग। ओके, आपका क्या नाम है? जुनैद। जुनैद, व्हाट डू यू डू जुनैद? आई वर्क। वर्क for a better living? Like what kind of work do you do? I work in IT. You work in IT. Okay, so you're an IT engineer. IT mein kya karte hain aap, bataiye zara hame, kya kya aap explore karte hain, kya kya kar rahe hain aajkal? Hame nahi pata. IT ke projects wagera karte hain. Hum London mein based hote hain dono, London mein rehte hain. To aap yahan chuttiyan pe aaye hain? Acha, kitne dino mein aapko aaye hue aur kitne din baad aapne jana hai? तीन दिन हुए आए हुए और हम 10 दिन बाद जा रहे हैं। मार्केट में से वैसे शॉर्ट कुर्ते लेने आए थे, जरा रौनक देखने का। या लिया कहाँ है शॉर्ट कुर्ता, कहाँ है? बेटा दिखाई, जरा कुर्ता भी इन्होंने लिया है जनाब। और ये अमेजिंग बात कि जब हमारे ओवरसीज आते हैं पाकिस्तान में, तो वो हमेशा हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हमारे मुल्क का कॉमन लिबास है वो पहनते भी वही हैं, या वो यहाँ से लेकर ज़रूर जाते हैं। सो ये हैबिट वैसे किस ओकेजन के लिए आपने ये लिया है? ये वो कल मिलाद है तो नानी के घर में, तो उसके लिए। माशाल्लाह, आपकी नानी के घर में? जी जी, मेरी नानी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो यू हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद योर एल्डर पेरेंट्स आई मस्ट से। जी बिल्कुल, होना ज़रूरी है। तो होना ज़रूरी है। जो फैमिली सिस्टम हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है जब हम कोई इंग्लिश सीजन देख रहे होते हैं या हम कोई ऐसे मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज है। बट आई एम ऑब्जर्विंग नाउअडेज कि फैमिली जो सिस्टम है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है या जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको अब बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। हमारी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल है, हमारे पेरेंट्स काफ़ी ट्रेडिशनल, हमारे जॉइंट फैमिली आपस में काफ़ी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स यू आर पाकिस्तानी ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु आर ऑलरेडी लाइक हु आर क्रिश्चियंस हु आर लाइक इंग्लिश पीपल। उनका उनका तो जाहिर है उनका डिफरेंट कल्चर है, उनका जैसे वो उनके एक्सटेंडेड फैमिली जॉइंट लिविंग वो नहीं एंजॉय करते, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो दैट इज ओनली फॉर द शो ऑफ जो हम मूवीज में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जुनैद इब्राहिम, कैन यू प्लीज जस्ट कम फॉरवर्ड अ लिटिल बिट, ओके? इक्वल फुटिंग पे खड़े हो जाएंगे तो गुड। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, पोएट्री, सॉन्ग?
Ibrahim, sing a song. Ibrahim, sing a song. Sing a song. Sing a song. No. I'm going to Dil Pakistan. Yes, why not? Come on, please. No. इतना नहीं हमें पता है जुनैद का और भी आता है लाहौर लाहौर है वो भी है लाहौर लाहौर वो भी है मैं वो भी कहते हैं ना कि जिस दिन लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं तो बस हाय हाय ये आप पंजाबी में सुनिए अमेजिंग बट दैट इज ब्यूटीफुल चले अब करेंगे आपसे सवाल लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता नहीं है अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा डील डन फेयर डील ना ठीक है मगर हम ये भी अपने जहन में रखे कि हम बाहर से आए तुम्हारी नॉलेज हमने जहन में रख लिया अरे आप फिक्र ना करें फिक्र ना करें ओके फाइन क्वेश्चन है मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज है जो बोलते ही गायब हो जाती है when you say something it disappears silence खामोशी अबे यार सभी आता है इनको और कह रहे थे कि हमसे जरा आसान पूछिएगा हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी थैंक यू सो मच बहुत बड़ी थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुक्त से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा वो हम सफर था हाँ वो हम सफर था वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी वेलकम बैक हम और आप मौजूद है सर लिबर्टी मार्केट में और बहुत ही रश है अभी भी आने के शटर डाउन करीब होने का वक्त आने वाला है उसके बावजूद भी खैर जल्दी से बढ़ेंगे आपको दोस्तों के जाने इससे पहले कि लोग अपने घरों के जाना शुरू कर दें खैर लोग मार्केट से इतनी जल्दी घरों को जाते नहीं वो ये वजह है कि यहाँ पर फूड कोर्ट्स भी बनाए हैं छोटे छोटे से स्टॉल्स और एरिया बनाया हुआ है आप समझ लीजिए कि जहाँ पर लोग बैठते हैं मतलब इट्स एन ओपन अरेंजमेंट और लोग वहाँ पे बैठ के स्नैक्स को बारबेक्यू को और भी तरह तरह के जो ट्रेडिशनल फूड है उसे यहाँ पर इंजॉय करते हैं तो रश तो यहाँ पर देर तक लगा ही रहता है आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से क्या नाम है आपका मेरा नाम हिरा है मेरा पूरा नाम हिरा अकबर हिरा अकबर क्या करती हैं मैं अभी तो जॉब कर रही हूँ रिसेंटली मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है क्या जॉब कर रही है मैं डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ इन डेंटल प्रोफेशनल और आप एक डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन वेरी नाइस प्रैक्टिस करते हुए कितना वक्त गुजर गया अराउंड फोर इयर्स कैसे कैसे दांत आपको मिले जिंदगी में कैसे कैसे दांत आपको मिले जिंदगी में ऐसे ऐसे जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी ना थे कहते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्योंकि इंसानों के दांत भी खाने के और दिखाने के और होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा हीरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जाहिर है आप डेंटिस्ट हैं और कोई दांतों का माहिर आज मुझे मिला है जो दंदान साज जिसे बुलाते हैं तो बचपन में ऐसा होता था कि मेरी जो नानी माँ थी वो अपने दांत उतार के पानी में रख देती थी और मैं डर जाती होती थी कि ये क्या कर रही हैं और उनके रात में पता नहीं शायद दांत नहीं होते थे और सुबह में भी उठ के लगा लेती थी और वो पानी के जार से निकाल के कुछ करती थी ये बड़ी अजीब सी एक प्रैक्टिस होती थी क्या आज भी लोग ये करते जी बिल्कुल ऐसा है लेकिन अब उसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो नानियों दादियों के लिए हुए हैं लेकिन आपने अच्छा, बुजुर्ग जो आपकी बात को यहाँ पर मैं काटूंगी ये कहने के लिए कि बुजुर्ग डरते हैं घबराते हैं सेहत के हवाले से कमज़ोर होते हैं ना तब दिल भी नहीं होता कि ऐसे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं तो उनके लिए क्या ऐसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो आप बताएंगी कि आज के ज़माने में जो हैं वो कारामद हैं और उन्हें इस्तेमाल भी किया जा सकता है आजकल मेडिकल फील्ड्स में कुछ ऐसी जो हैं चीज़ें ईजाद कर दी गई हैं जो कि दिखने में जैसे लाइक इंजेक्शंस को किसी ऐसी कलर्स में हम लोगों ने वो किया है उसको मॉडिफाई किया है कि इंजेक्शंस देखकर पता ही नहीं चलता कि ये इंजेक्शन है तो नॉर्मली कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं जिसकी बदौलत लगाते भी पता नहीं चलता कि इंजेक्शन लगा रहे हैं नो कैसा इंजेक्शन है
करती हूँ मैं आपको, आप बेफिक्र रहें। वो इस तरह से कि पहले एक जो है ना नमनेस के लिए एक जेल अप्लाई करते हैं उस पार्ट पे जहाँ पर इंजेक्शन। कितनी देर तक नमनेस रहती है? इन सेकेंड्स तक जी, जो जेल है उसमें तो कुछ सेकेंड्स की रहती है नमनेस, लेकिन इंजेक्शन का जो असर होता है वो अराउंड टू आवर्स तक होता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है? यस, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए तकलीफ नहीं होती जी बिल्कुल, लेकिन सर्जिकल के लिए तो ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जबकि लोकल में अगर करना, ऐसा हुआ है कि ट्रीटमेंट कराने के दौरान मरीज उठ के बैठ गया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डोज मुकम्मल तौर पर दी जाती है ना, डोज से पहले। आप लोग काम पक्का करते हैं कि ये उठ के ना बैठ जाए? पक्का पक्का। अरे वेरी नाइस, अरे अमेजिंग, क्या बात है जनाब। मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ ऐसी बात की जाए आपसे जो आप सोच ना रही हो। ओके, जरूर करें। इरा क्या सुनाएंगी आप, कोई गाना सुनाएंगी, शेर सुनाएंगी? जो आप कहेंगी मैं वो सुनाऊंगी। गाना सुना दीजिए। अच्छा जी, कौन सा सुनना पसंद? कुछ भी जो आप सुनाना चाहे। ठीक है, चलें, अभी तो मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा, लेकिन चलें, मैं एक पुराना ड्रामा सीरियल का है हमसफर का गाना, मैं वो जरूर आपको सुनाना चाहूँ। वो हमसफर था, हाँ वो हमसफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी कि धूप छाओं, कि धूप छाओं का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। Awesome, 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 super, super से भी ऊपर। हीरा बहुत अच्छा गाती हैं और बड़ा प्यारा सा गाती हैं, गुनगुनाती हैं। चले मुझे ये बताइए, आपसे सवाल करते हैं कि इस गाने को किस सिंगर ने गाया है? इसको मुझे याद था, मैं भूल गई, बताइए। यही सवाल है। Oh my God. फीमेल सिंगर का नाम बताइए जिसने ये गाना गाया है। उसका वो भी गाना है, क्या नाम है उसका? जी, नाम बताइए। आपको आपको नाम बताना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बता सकती, मैंने गाना सुना दिया, यही काफी है। नाम बताइए। यस, मुझे याद आ गया, कुरतलैन बलोच। कुरतलैन बलोच, इंडीड, हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही काबिल किस्म की सिंगर, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गायकी से हमारे मुल्क का अपना नाम रोशन किया। थैंक यू सो वेरी मच हीरा, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा गिफ्ट एम्पर और आपकी जानिब से कि आपने हमसे बात की थी। ओह यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम और आपने वक्त छोड़े से मोक्ष से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कितने गालिब ने कम्मा कर दिया, नहीं तो आदमी हम भी कभी काम के थे। वेलकम बैक, हम और आप इस वक्त मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पे हम आपको मिलवा रहे हैं आपके दोस्तों से, और बहुत सारे दोस्त हमारे मुंतजर हैं, तो आइए मेरे साथ करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान हसन। फैजान हसन, फैजान हसन क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं फैजान हसन आप? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। फैजान क्या सोच के रखा है जिंदगी में, क्या करना है आपने? इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे कभी ना कभी, अभी फिलहाल मेडिकल कर रहा हूँ मैं एफएससी, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे मेरे जो अल्लाह ताला ने मेरी मतलब के सपोर्ट की, तो इंशाल्लाह जो एक दिन डॉक्टर बनेंगे। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, जब आप इतने एंबिशियस हैं, जब आपने आपके ड्रीम्स इतने अच्छे हैं, तो आप उन्हें अचीव भी जरूर करेंगे। बस स्ट्रगल करते रहिए और मेहनत करते रहिए। क्या जिंदगी में हर चीज़ स्ट्रगल और मेहनत से ही मिलती है या कोई और फॉर्मूला भी है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जनाब बंदा अगर एक काम के पीछे मेहनत करता लग जाए ना, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो काम जो है ना कंप्लीट ना हो। तो मेरी फुली कोशिश है कि मैं जो ना इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करूँ और एक ना एक दिन अपने आप को खुद को प्रूव करूँ। कुछ लोग हैं कहते हैं कि नहीं भी लग बड़ा काम करती है, लग जो है वो बड़ी वही सब कुछ होता है, हार्डवर्क कुछ नहीं होता है, सो इज़ दैट ट्रू? नहीं जी, लक के ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं? इसमें लक भी होता है और कुछ ना कुछ इसमें मेहनत भी होती है। आप लोग ज्यादा थोड़ा सी मेहनत ज्यादा करोगे ना, मेहनत रखो, लक खुद ब खुद ही आपका बन जाता है, बन जाता है। क्योंकि जाहिर है लक हर किसी की नहीं है, अब लक जिसकी अल्लाह ने बना दी तो बना दी है, बाकियों को तो अचीव करनी है, हार्डवर्क करना, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल इज लाइफ। फैजान
पाकिस्तान से बाहर अगर कहीं जाने का मौका मिले तो किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? जाना पसंद करें। यार वजह क्या है? क्योंकि आई लव तुर्की, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इस्लाम की, सिर्फ लव की तो बात है ना, ऐसे मुस्लिम कंट्री तो फिर और भी बहुत सारे हैं। क्या वैसे क्या रीजंस हैं ऐसे? अरेबिया एंड तुर्की मेरे टू फेवरेट कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया क्योंकि हमारा जो है ना मतलब के वहाँ, जानते हैं आप क्या है सऊदी के बारे में? चलें सऊदी अरब के बारे में बताइए। उधर के रहने वाले हैं, हमारे इस्लाम के जो तरीके स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट हुई है, इस वजह से उधर जाना चाहिए। बस यही एक रीज़न है, बात है जी, इससे बड़ी और कौन सी चीज़ है? वो तो है, आप यहाँ रहते हुए भी तो मुसलमान है, क्या यहाँ रहते हुए आप कुछ और बन गए हैं? मुसलमान तो है ना बंदे, हर बंदे की ख्वाहिश है ना बंदा सऊदी अरब जाए, मक्का जाए, मदीना जाए, आपको ये आपको तो हर इंसान जाता है, हर मुसलमान जाता है, हर मुसलमान जाके होकर आ जाता है। हर बंदा ये मौका जो है ना अचीव नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं जा सकता ना, ये फर्ज जरूर है हर बंदा कोई ना कोई जो किस्मत वाला। तुर्की के बारे में क्यों आपने कहा कि तुर्की जाने की क्या रीज़न है? जाने के लिए आजकल जो आपने ड्रामे श्रामे देखो है ना, कॉलेज उस्मान चला हो मेरी, यानी फिजान के दिमाग पे जो है वो ड्रामे छाए हुए हैं कि ड्रामे आर द रीजंस, ड्रामों की वजह से। वो तो उस इरा के दिखा रहे हैं जो इतने सालों पहले लोग थे और खत्म भी हो गए, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चले ना। अच्छा फिजान, कोई सुनाए, कोई शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे। शायरी तो बाज़ौक लोगों का शौक है, तो जो ज़ौक वाला है वो शायरी ज़रूर करेगा। शायरी मुझे बिल्कुल पसंद है। फिर गाना सुना दें क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। किस मतलब कौन सा गाना? ये तो आपको पता होगा, मुझे क्या पता। चलें जी मैं आपको शेर सुना देता हूँ, इश्क ने वो जो आपके दोस्त ने सुनाया। वही सुना देता हूँ, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, नहीं तो आदमी हम भी कभी काम के थे। ये याद रहेगा आपको, चला जरूर रहेगा। गुड है, आपसे करेंगे सवाल, इसलिए आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि सवाल का सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टेम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट टेम्पर नहीं मिलेगा। फैजान डील डन, समझ नहीं आई दोबारा, सॉरी। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टेम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट टेम्पर नहीं मिलेगा। डील डन, गुड, फेयर डील। सो माई क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कि वो क्या है जो सदियों से जिंदा है लेकिन उसकी उम्र एक महीने से ज़्यादा नहीं होती? सदियों से जिंदा है और एक महीने, उम्र एक महीने से कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, सदियों से जिंदा है, चीज क्या हो सकती है? सिर्फ एक महीने की उम्र होती है और फिर एक महीने की उम्र होती है। ज़हन में नहीं आ रहा। आपको कुछ तो भाई, बिल्कुल ही आप तो क्विट कर गए, कुछ तो सोचिए। सदियों से जिंदा है और उम्र एक मंथ से ज्यादा नहीं होती, नहीं होती है। सवाल बदल दे, बदल। चलें आपसे दूसरा सवाल है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो पानी में होते हुए भी गीली नहीं होती? पानी में होते हुए गीली नहीं होती, इमेजिन करें कभी पहुंच पाएंगे। बहुत आसान सवाल है, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि जब हम ये सवाल कैमरे पे करते हैं तो अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये सिर्फ इस कैमरे का कमाल है, वरना सब बातें बहुत आसान है। नहीं, क्वेश्चन तो आपका टफ है, ये नहीं कह सकता, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन टफ है, काफी टफ है, समझ में नहीं आ रहे मुझे। दूसरा सवाल की है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान भट्ट। रिजवान भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? मेरी यहाँ शॉप है ज्वेलरी की। कब से आप लिबर्टी में काम कर रहे हैं ज्वेलरी का? काम तो प्रैक्टिकली तो मैं 2009 से कर रहा हूँ, वैसे लिबर्टी से हम फैमिली बिलोंग कर रही है कोई 82 से। 82 से? तो पहले यहाँ पे कौन काम करता था? तो मेरे कजन भाई वगैरह करते थे बड़े। वाले साहब क्या करते थे? वो कपड़े का काम करते थे, स्टिचिंग और ये। मतलब ये कि आपके खानदान में शुरू से ही कारोबार की तरफ रुझान रहा है सारा? तो कभी सिविल सर्विसेज की तरफ या और किसी जॉब्स की तरफ भी बच्चे निकले या कोई जनरेशन निकली, या आप जनरेशन टू जनरेशन कारोबार में ही रहे हैं? नहीं, आप 90% कह सकते हैं कि 90% कारोबार है, बाकी मेरे कज़न वगैरह इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं सब। अब जो आगे सेकंड जो जनरेशन है उसमें तो काफ़ी लोग अपने अपने रुझान के को लेकर जो जहाँ निकलना चाहे, जो पढ़ना चाहे। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं, मैंने भी मतलब जिस ज़माने में मैं पढ़ा हूँ उस ज़माने में ग्रेजुएशन भी मैंने 88 में ग्रेजुएशन की हुई है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। गुड, पहले तो ग्रेजुएशन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और इससे पहले तो मैट्रिक की भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। खैर सारे हैं, लेकिन चूँकि वो बिजनेस इनहेरिट है
तो वो इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि बिज़नेस ही करें, कोशिश यही होती है कि बिज़नेस करें। खैर बहुत अच्छी बात है कि जी कारोबार जो है वो ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों के कारोबार की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में रुझान रखते हैं या फिर ज़्यादातर लोग कारोबार करते हैं, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। आपस में कारोबार करेंगे आप इन्वेस्टमेंट करें, और हज़रत सल्लम का भी पेशा ये था कारोबार करते थे, और कारोबार जो है वो उसमें तो बरकत भी है और कारोबार करना भी चाहिए, क्यों नहीं। अच्छा बताइए सर के पाकिस्तान में, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मैं यहाँ आपके चैनल के तवस्से से एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ज़रूर गवर्नमेंट को कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि हमारा बहुत सा पैसा जो है ना प्रॉपर्टी में स्टक हो गया है। लाइक अगर लाहौर की आप मिसाल ले लें तो एक 10 मरले का प्लाट भी 2 करोड़ रुपये का है, तो एक 2 करोड़ रुपये से बहुत अच्छा कोई कारोबार हो सकता है जिसमें जॉब क्रिएट हो सकती है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लग सकती है, कोई प्रोडक्शन यूनिट लग सकता है। आपके कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी है या लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? एक्चुअली लास्ट 20 ईयर्स लोगों ने यही देखा है कि जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो वो उनको बहुत गेन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, यहाँ एक एक बंदे ने 100-100 प्लाट लिया हुआ है, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि भाई एक बंदे के नाम पे एक आध कमर्शियल प्लॉट हो, एक कोई रेजिडेंशियल हो या एक घर हो, कोई कि वो लिमिट हो, एक लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ख़रीदता जा रहा है तो ख़रीदता ही जा रहा है और किसी और को उस जगह तक पहुंचने का या उस काम में हाथ डालने का मौका ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी वजह से जो चीज़ें बहुत उनकी प्राइस, क्योंकि हर चीज़ में सप्लाई एंड डिमांड है, अगर ख़रीदने वाले 100 हैं और प्लाट 10 हैं तो प्लाट तो महंगा होगा। 100% ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी ज़रूर आनी चाहिए। बहुत अच्छी और बड़ी पते की बात की है, अल्लाह कह रहा है कि आपकी बात जो है वो आगे तक पहुंच भी जाए और ज़रूर सुनी भी जाए और इस पर अमल भी हो सके। प्रॉब्लम तो एक्चुअली यही है कि जो है ना जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनानी है वो ज़्यादा इस बिज़नेस में है, खुद इस बिज़नेस में है, जिन्होंने ये पॉलिसी बनानी तो वो पागल है कि वो पॉलिसी बनाएंगे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम भाई, ऐसी पॉलिसी तो फिर बनने वाली नहीं है, आपके समय फिर तो नहीं बनेगी ये पॉलिसी। देखिए चले द बीइंग ऑप्टिमिस्टिक द डे बात तो कर सकते हैं, यस डे विल कम सजेशन है, और ये इस तरह अगर सारा लोग सोचना शुरू कर दें, देखिए बहुत सी ज़रूरी होता है कि आप बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री लगा लें, छोटी सी भी कोई ऐसा यूनिट लग सकता है जिससे मतलब आप देखें अगर आप ये बंद रोड की तरफ चले जाए छोटे छोटे बहुत सी प्रोडक्शन यूनिट है। अब हमने सारी अपनी मनी जो है ना वो चाइना को दे देते हैं और वो कोई इतने को वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो चीज़ें बनानी जो वो बना के भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि अक्सर ही डिसअपॉइंटमेंट होता है चाइना का माल, तो बिल्कुल एक वो वाली बात रह गई हुई कि अगर किसी के साथ आपने कुछ गलत करना है तो आप चाइना वाली बात कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर किसी को कुछ जुमला कसना है तो आप चाइना की बात कर लेते हैं, अब तो वो हालात हो चुके हुए हैं। खैर सर आपसे करेंगे एक सवाल, क्योंकि वैसे आपने इतनी प्यारी बातें यहाँ पे शेयर कर दी है ना कि अब यही जो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है अगर पहुँच जाए और आगे इस पर कुछ हो भी जाए, अमल दरामद हो जाए तो क्या ही बात है, एटलीस्ट कुछ तो मतलब कुछ तो हो ना, कुछ तो हो आखिर, कुछ तो हो। खैर हमने तो कह दिया, कहना हमारा काम है, करेंगे आपसे सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो जनाब सवाल हमारा आपसे मुझे बताइए वो क्या है जो कुछ बोलते ही गायब हो जाती है, बोलते ही गायब हो जाती आवाज, आप किसी को आवाज दें फिर वो गायब हो जाती है, मतलब बोलते ही बोलने से पहले वो होती है, बोलते ही वो गायब हो जाती है, द मोमेंट यू स्पीक आप वो चीज बस वो फिर वो वैसी नहीं रहती, मतलब बोलने से वो खत्म हो जाती है, लफ्ज ही होता है कुछ जो आप देखिए तो मतलब सोचिए ना थोड़ा दिमाग लड़ाइए कि क्या ऐसी, बोलना खुद एक फोर्स है ना, अगर फोर्स किसी चीज में नहीं है तो वो क्या है, कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में आई है वो नहीं, बात तो फोर्स है ना, बात इटसेल्फ एक फोर्स है, सो आई इस वक्त नहीं मुझे क्या चीज है जिसमें फोर्स नहीं होगी, मतलब बोलना इटसेल्फ एक फोर्स है, एक ताकत है, फिर यही है कि आप जब तक खामोश हैं जहां ना बोलें जब तक खामोशी वो चीज़ है जो बात करने से पहले होती है और बात करते खत्म हो जाती है। आपको छोटा सा गिफ्ट टेंपर दे रहे हैं इसलिए कि आपको याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की। थैंक्स फॉर सिटी 42 एंड ऑल द स्टफ, थैंक यू जी, सो नाइस। हमारे जाने का वक्त हो गया लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे सवालों के सब के सब सही जवाब, ताकि आप भी जान सकें कि आखिर हमने आपके दोस्तों से क्या स्ट्रगल करने को कहा, कितने दोस्त सही थे अपनी स्ट्रगल में और कितने दोस्त जो थे वो पहुंच पाए। खैर नाकामी तो कहीं भी नहीं थी क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर किया, और जब हम किसी चीज़ पे
कहीं कुछ खो देते हैं तो हमेशा हमें याद रहता है कि हमने किस वजह से खोया था और हम दोबारा वो गलती नहीं करते। खैर सवाल क्या थे, गौर से सुनिए। एक सवाल जो हमने किया वो क्या है जो सदियों से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र एक महीने से ज़्यादा नहीं होती, तो वो है चांद। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जो पानी में होते हुए भी गीली नहीं होती, तो वो चीज़ है रिफ्लेक्शन या कश्ती में बैठे हुए लोग या कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी तक नहीं पहुंच पाती है लेकिन होती पानी में ही है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो क्या है जो सवाल नहीं पूछता लेकिन जवाब देना ज़रूरी है, तो वह टेलीफोन। खैर इसका जवाब हमें कोई दे नहीं सका था। एक और सवाल जो हमने किया वो क्या है जो बोलती गायब हो जाती, तो वो खामोशी जो बोलती गायब हो जाती। उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को ये सारे के सारे सवाल इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा मुश्किल थे लेकिन कुछ ऐसा था तो नहीं। कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम आपसे आसानी बात करें और हेल्प भी ज़रूर करते हैं। सम हाउ अपनी अपनी किस्मत, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है और किसी को नहीं। खैर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप City42। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं वो फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हम आपके बताए हुए कौन से सवाल पूछ सकते हैं। आप ज़रूर हमें वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। हम हमेशा पढ़ते हैं और हम हमेशा देखते हैं अपने दोस्तों की बातों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।